भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत जब अपनी फिल्म 2.0 रिलीज करने वाले थे तब लोगों के मन में इसको लेकर कई तरह की शंकाएं थी। असल में 2.0 से पहले ही आमिर खान की बिग बजट फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी थी, जिसकी वजह से ट्रेड पंडित 2.0 के बॉक्स ऑफिस बिजनेस पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। हालांकि जैसे ही 2.0 सिनेमा घरों में रिलीज हुई वैसे ही इसने धमाका कर दिया। हर कोई 2.0 को देखने के बाद बस यही कह रहा था कि भारत में केवल एक ही रजनीकांत हैं। फिल्म 2.0 ने पहले दिन से कमाई का वो सिलसिला शुरू किया जो बदस्तूर अभी तक जारी है। फिल्म को मिले इतने जबरदस्त रिस्पॉन्स का ही नतीजा है कि 2.0 अपने पहले हफ्ते में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। फिल्म 2.0 का हिंदी वर्जन नॉर्थ इंडिया में पेश करने वाले करण जौहर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि 2.0 ने अपने पहले 7 दिनों के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। आपको बता दें कि फिल्म 2.0 में बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार ने खलनायक का किरदार निभाया है जो दर्शकों को खूब भाया है। अगर फिल्म के हिंदी वर्जन के द्वारा की जा रही कमाई पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि इसे अक्की की लोकप्रियता का जबरदस्त फायदा मिल रहा है। रजनीकांत की बड़ी से बड़ी हिट फिल्में 2.0 से पहले हिंदी भाषी क्षेत्र में 100 करोड़ का कारोबार नहीं कर पाई थी।